मैंने दारू पिया तो क्या हुआ, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। कल ही कल मैं भाभी जी को खत लिख के सब कुछ बता दूंगा आपके बारे में। कमांडर स्पीकिंग। हेलो कमांडर साहब, यहाँ गटर में एक लाश मिली है। आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नीलेश जोशी हूँ, गिरिकुंज के सामने से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे आदमी वहाँ फौरन पहुँच जाएंगे। मर्डर स्पॉट पर तुम लोगों को ही सुराग आता है? नहीं सर, मर्डर स्पॉट पे तो कोई निशान नहीं मिले। लेकिन शर्ट पर तो लॉन्ड्री के मार्क्स मिले हैं ना? यस सर, वो लॉन्ड्री ढूंढने के लिए मैंने विकी को भेजा है। गुड, और कोई डिटेल्स हाथ आए तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। और हाँ, अगर रिश्तेदार का पता मिले तो पोस्टमार्टम के बाद इमीडिएटली उनके पास वो बॉडी भेज देना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड 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 जेंट्स, मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि टेंडर पास होने में कोई मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए। यस सर। काम करो, ये टेंडर तुम भर दो। बाय, गुड नाइट। हेलो। हेलो शेखर। हाँ नयन, बोल, कहाँ से बोल रही हो? पार्टी से बात कर रही हो? और क्या, कब से तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रही हूँ, तुम आए क्यों नहीं? याद तो है ना? हाँ हाँ याद है, आऊंगा। देखो पार्टी में आना जरूर, ऐसा नहीं कि परसों की तरह भूल जाओ। अरे उस दिन की बात ही और थी, तुम्हें तो पता है नयन, जहाँ मेरा फायदा होना होता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके पहले सिगार तो जला लो, बाहर निकलो और चलते बनो यहाँ से। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा जोर से बोलोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कल रात की बात याद करो तो एकदम ठंडे हो जाओ। कल रात? हाँ, अब जिधर मैं कहता हूँ उधर गाड़ी लेके चलो ताकि आराम से इत्मीनान से बात हो सके। चलो स्टार्ट करो गाड़ी। आओ आओ शेखर सेठ आओ, मेरे ख्याल में मेरी ये जगह ऐसी बात करने के लिए बहुत अच्छी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे अपन का नाम रंगा है क्या? रंगा, काम की बात करो। हाँ काम की बात तो काम की बात सुनो, कल रात अपन तुम्हारा बंगला के सामने जो सेठ गिरधारी लाल रहता है ना, उसके इधर डाका मारने के लिए अपने आदमी का इंतजार करता था। ए भाइयों, ये साला सेठ गिरधारी लाल का बंगला है, आज रात इसके बंगले पे हाथ साफ करना है, समझ आई? सब तैयारी है ना? पुलिस का सहारा ना रे, इसका मतलब पुलिस का बहुत सख्त बंदोबस्त है। आज आज नहीं
कल देखेंगे। okay. तो ऐसा कर, दारू लेके सलमा भाई का डेबे आ। okay, मैं आता हूँ। फिर धारीलाल, तेरे को तो मैं कल निपट लूंगा साले। की बात तो सुनो, काम की बात यह है कि मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ जानता हूं। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? सोचा तुमको ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं तो मुझे अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी ना। मतलब ये कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। यही समझ लो सेठ, क्योंकि रात के अंधेरे में जो तुमने काम किया है वो दिन के उजाले में मैं सबके सामने ना लाऊं तो उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी ना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,00,000। 1,00,000? ए साला, अरे तुम जैसा बड़ा सेठ लोग के लिए 1,00,000 रुपए क्या चीज़ है। ठीक है, ये बात हुई ना, तो बोलो कभी आया फोन लेने के लिए? मरहूम क्या करता था, कहाँ रहता था, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सड़क पे लॉन्ड्री मार्क्स मिले ही है। सर, सर मरने वाले के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो वो नागपुर का रहने वाला था और बम्बई में नौकरी करता था। गुड, और कुछ? सर उसकी बहन एक नागपुर में है और उसे मिलने पर ही ज्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। ठीक है, मैं कल ही नागपुर जाता हूँ। तो आपके कहने के मुताबिक आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? जी नहीं कमांडर। तो बहुत ही अच्छा था, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, तो दुश्मन होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कमांडर कि मेरे भाई का खून हो गया। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आपको इस परिस्थिति में तकलीफ दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं कहूंगा साहब, ये तो आपकी ड्यूटी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वैसे तो जरूरी बातों की जानकारी मैंने आपसे ले ली है, अगर आपको और कोई जानकारी मिले तो फौरन मुझे बताना। चलता बेटी, जो होना था वो तो हो चुका, अब सब कुछ भूलने की कोशिश करो, मेरी बात मानो, बच्चे को लेकर मेरे साथ पहुंचो। मामा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि नागपुर छोड़कर बम्बई जाने की कोई जरूरत नहीं, जो भी कुछ है यही सब तो ठीक है। बेटी, उसमें इसका क्या दोष? उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं और फिर अब ये सब सोचने से फायदा क्या? मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो। ठीक है बाबा जी, मुन्ने की परीक्षा होते ही मैं उसको लेकर गाँव आ जाऊंगी। अच्छा ठीक। परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं कोई खास बात नहीं। नहीं कोई बात तो है ना, तुम ठीक से खाते हो ना ठीक से सोते हो, बस सारी सारी रात सिगार पीते रहते हो, आखिर क्या बात है मुझे तो बताओ। नहीं वैसे कोई खास बात नहीं है, बस
बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम्स है। नमस्ते शेखर सेठ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। श्रीधर आओ आओ, तुम यहां कैसे और इस वक्त? फोन इधर से गुजर रहा था, सोचा देख ले आप घर पे है कि नहीं। अरे ये भी कोई वक्त है बाहर जाने का? इस वक्त तो हम घर पर ही होंगे ना। मैं तुम्हारी तरह ब्रह्मचारी आदमी नहीं हूं, शादीशुदा आदमी हूं। ओह गॉड, व्हाट? क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है और घर में दवाई भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी बाहर से पेंजोन लेकर आती हूं। तुम यहां क्यों आए हो? तो क्या करता, अखा दिन तुम्हारा फोन लगाने का कोशिश किया लेकिन साला लगता ही नहीं। मेरा फोन लगेगा कैसे, वो तो डेड पड़ा हुआ है। गधा कहीं का? इसका मतलब अपन गधा नहीं है, अपन इतना फोन ट्राई किया इसीलिए इधर आने को पड़ा। शट अप। शट अप मंजे, मुंह बंद। 50,000 रुपए दे दो, मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे चुका हूँ। हाँ अपन कौन सा मना करता है, 50,000 दिया लेकिन अपन दोनों का सौदा 1,00,000 का हुआ था, बाकी का 50,000 का क्या होगा? इसके लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, 4 दिन रुको तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। अरे 4 दिन तो क्या, अपन 8 दिन तक रुकेगा, लेकिन 8 दिन के बाद अगर रुपया नहीं मिला तो अपन पुलिस स्टेशन जाएगा, ये मुंह खुलेगा और तेरे को बिहाइंड पास करवाएगा, समझा? हेलो कमांडर साहब, तो घर पर नहीं है? जी मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके कमांडर साहब घर पर हैं? जी नहीं, आपकी तारीफ? मैं अमर की बहन हूँ, अमर के केस के बारे में बात करने के लिए मैं नागपुर से बम्बई आई हूँ। अब बैठिए, कहिए बात क्या है? पिछली बार जब कमांडर साहब हमारे घर आए थे केस की तहकीकात करने के लिए, तब मैं उनसे एक बात कहना भूल गई, मुझे एक आदमी पर शक है। कौन है वो? अजीत पोद्दार। शक की कोई वजह? अमर और अजीत काफ़ी साल पहले बिजनेस पार्टनर थे, बिजनेस के हिस्सेदारी को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ था और अजीत ने अमर को जान से मार देने की धमकी दी थी। इस बात को कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल ओ ऐसी। अब उन दोनों के बीच कोई झगड़ा या अनबन? उस झगड़े के बाद अजीत ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया, हम लोगों के आपस के संबंध बिगड़ गए और अजीत की दी हुई धमकी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पहले वो नागपुर में ही रहते थे पर आजकल सुनते हैं कि वो वर्धा में रहते हैं। ठीक है, मैं कमांडर साहब से इस बारे में बात करती हूँ, आप जा सकती हैं। जी अच्छा, नमस्ते। टोनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अमर के केस को सुलझाने का कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। सर जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन वो कहाँ कहाँ गया, किन किन से मिला, वो सबकी जानकारी मैंने ली लेकिन कुछ डाउटफुल नहीं लगा। टोनी एक बात साफ है, ये खून किसी निजी कारण की वजह से हुआ है, क्योंकि अमर के जेब से 1,500 रुपये मिले हैं इसका मतलब पैसों के लिए ये खून नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोजी, बोलो क्या बात है? सर जब आप बाहर गए थे तो नागपुर से अमर की बहन आई थी। क्या कहा उन्होंने, कोई खास बात? सर उनको अमर के खून के मामले में किसी पर शक है। क्या नाम है उसका? अजीत पोद्दार, वर्धा में रहता है। शक का कोई कारण? बिजनेस पार्टनरशिप। निखिल आज का लेसन्स याद रहेगा ना? जी हाँ टीचर। वेरी गुड। निखिल जरा मम्मी को बुलाना। मम्मी। निखिल बेटी क्यों बुलाया था मुझे? नमस्ते जी। नमस्ते। दरअसल मैंने ही आपको बुलाया था ये बताने के लिए कि अभी निखिल अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा है, मुझे लगता है इस साल निखिल अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है,
आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं थैंक यू, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। ओके। उधर जी का घर यही है? जी हाँ। माँ मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटे, लेकिन जरा संभाल के। हाँ माँ। आप अंदर आइए ना, मुझे अजीत से मिलना है। अजीत से? क्या वो घर पे नहीं है? माफ कीजिए, अजीत अब इस दुनिया में नहीं है। कि ये फोटो? जी हाँ, ये अजीत की ही फोटो है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मीना। वैसे मेरा नाम दिलीप है, मैं बम्बई का रहने वाला। क्या हुआ कि मैं नागपुर आ रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे अजीत से मिलने के लिए कहा। लेकिन अजीत को गए हुए तो 2 साल हो गए। I'm sorry. शायद मेरे दोस्त को इस बात का पता नहीं होगा। मैं चलता हूँ। गुड इवनिंग सर। आओ तो नहीं आओ। सर आप कब आए? बैठो, थोड़ी देर पहले। वर्धा जाकर कुछ फायदा नहीं हुआ। अमर की बहन को जिस पर शक था वो अजीत पोद्दार 2 साल पहले मर चुका है। क्या? इसलिए तो बोल रहा हूं ना, कुछ फायदा नहीं हुआ। जिसके घर में अभी होकर आया उसकी शक्ल और शेखर देव की शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि 2 साल पहले वो मर चुका है। लगता दाल में कुछ काला जरूर है। ये लो पूरे 30,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, गिन लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो एक नोट भी कम हुआ तो मेरी जबान खुल जाएगी और तुम बिहाइंड बार्स। बहुत चालाक बनते हो, क्यों? जाओ, चले जाओ यहाँ से, फिर यहाँ कभी मत आना, समझे? बाकी के रुपए मिल जाएंगे तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारा ये सड़ा हुआ थोड़ा देखने का कोई शौक नहीं है सेठ। बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी तुमने। बाकी के पैसे कब और कहाँ मिलेंगे वो मैं तुम्हें टेलीफोन पर बता दूंगा। चलता आपको। राम ज्यादा कहीं का। शेखर साहब का बंगलो। शेखर साहब की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी से मिलना चाहिए। ये
सोनी, ये रंगा है ना? हाँ सर। रंगा जैसा छटा हुआ बदमाश शेखर के घर, बात कुछ अजीब सी लगती है। तुम एक काम करो, रंगा पर नजर रखो।